हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन अ रॉकेट हैज टू बी लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन सच वे दैट इट नेवर इफ द एनर्जी मिनिमम एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रॉकेट लॉन्चर व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड बी मिनिमम एनर्जी दैट द लॉन्चर शुड हैव इफ द सेम रॉकेट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून आर इक्वल एंड अर्थ वॉल्यूम इज सिक्सटी फोर टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून देखो पहले डायग्राम भी बनाते हैं और डाटा जो रखा है वो लिखते हैं पहले तो कह रहा है कि एक अर्थ है आपकी ये मैंने अर्थ बना ली मान लो अर्थ की डेंसिटी रो है मास है और वॉल्यूमास अर्थ की डेंसिटी है और इसका ये मास है और इसकी रेडियस कैपिटल इसके सरफेस से एक रॉकेट को ये रॉकेट है आपका मान लो इसका मास स्मॉल है मैं। इसको लॉन्च करना है रखा हुआ है अभी है ना तो इसको लॉन्च करना है और कहां पर पहुंचा देना है इसको इन्फिनिटी पे पहुंचा देना है बेटा मतलब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल देना है कभी रिटर्न ना करे अ रॉकेट हैज टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ इन सच अ वे दैट इट नेवर रिटर्न तो नेवर रिटर्न तो मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचाना है ठीक अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये इन्फाइनाइट पर है तो इन्फाइनाइट पर मान लो कि ये रेस्ट में है यहां पर पहुंच गई जस्ट पहुंच गई यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इस जगह पर जो टोटल एनर्जी होगी रॉकेट की टोटल एनर्जी ऑफ रॉकेट इस जगह पर इन्फिटी पर ई इन्फाइनिट लिख देता हूं टोटल एनर्जी इन्फाइनिटी पर वो काइनेटिक जी जी एनर्जी जीरो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ बी जीरो तो क्योंकि वो फॉर्मूला होता है माइनस के जी एम एम अपॉन इन्फाइनिट तो इन्फाइनिटर डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा तो टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो इस जगह पर कितनी टोटल एनर्जी है सरफेस पर तो अभी तो रखा हुआ है तो रखा हुआ है। तो का एंटर्जी जीरो जगह पे है कितनी रखा हुआ जब ऐसा नहीं लॉन्च कर दो तो उसको उसको है ना का एनर्जी दे दो अभी रखा हुआ है दे कितनी एनर्जी कम से कम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराए जिससे वो यहां से इन्फिटी पे चला जाए तो रखा हुआ है ना अभी तो कोई को एनर्जी प्रोवाइड कराई ही नहीं हमने उसको तो एनर्जी जीरो टोटल एनर्जी निकाल लो प्लस ग्रेविटेशन माइनस का जी कैपिटल स्मॉल ओवर इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट और यही यहां पर लिखते तो सेपरेशन ये वाले लिखते जो कि इनफाइनाइट सेपरेशन है इसीलिए इन्फिटी का डिवाइड करते हैं यहां पर तो जीरो आ जाता है तो इतनी टोटल एनर्जी सरफेस पर होनी चाहिए जी कैपिटल एम

एनर्जी डिलीवर्ड बाय रॉकेट जिससे ये एस्केप कर जाए मतलब सरफेस को छोड़कर वापस चला जाए अर्थी सरफेस को छोड़कर चला जाए और रिटर्न ना करे वापस कभी भी तो वो ईद रखिए मिनिमम कैसे निकालें ई इन्फिनिटी में से हम ई सरफेस वाले लें ई इन्फाइनिटी में से सरफेस वाले सप कर ले तो इन्फाइनिट पर कितनी बेटा जीरो और सरफेस पे कितनी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर इतनी तो टोटल एनर्जी ई निकले आएगी हमारी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इतनी एनर्जी तो फर्स्ट केस हो गया बेटा आपका ऐसे ही सिमिलरली वो हमसे कह रहा है वो मून पे भी चाहता है कि अगर ये मून है ये मून है आपका अब मून का मास कैपिटल एम डैश मान लेता हूं और रेडियस आर डैश मान लेता हूं ठीक है यहां से किसी बॉडी को रॉकेट उसी रॉकेट को सेम रॉकेट को जिसका मास स्मॉल एम है उसको भी पर आना है इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो इस जगह पे तो एनर्जी जो इन्फाइट पे होगी वो तो जो जीरो ही होगी अब इस जगह पे बिल्कुल सेम कंडीशन है तो इसमें टोटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो ई डैश ये कितनी हो जाएगी जी मून का मास आ जाएगा बेटा अर्थ के मास की जगह मून का मास और रॉकेट का मास तो सेम ही है और मून की रेडियस आ जाएगी सेम कर लेना यहां पे भी लिख लेना ऐसे ही टोटल एनर्जी सरफेस पर वो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई फिर घटा के निकाल लेना इतनी एनर्जी चाहिए होगी अब हमें ये पूछ रहा है कि ये इससे कितना है है ना इ के में ये वाली एनर्जी चाहिए तो दोनों का डिवाइड कर लेकिन तो स्मॉल एम, एम बटे आर डैश ओवर जी एम एम ओवर आर जी से जी और एम से एम कटेगा तो ई डैश अपॉन ई इजल टू ये आएगा एम डेस ओवर आर डे और आर ओवर एम ये क्वेश्चन थ्री हो गई अब मैं बस केवल जो है बाकी का डाटा यूज कर लूं और एम डैस और आर की वैल्यू इन टर्म ऑफ आर और एम निकाल लूं और यहां पुट कर दूं तो कैसे करते हैं देखते हैं बाकी का डाटा क्या है इसमें कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड मून आर इक्वल दोनों की डेंसिटियां इक्वल है तो डेंसिटी इक्वल है ये अर्थ की डेंसिटी है मान लू

मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून अब क्वेश्चन में एक चीज हमें गिवन है कि जो अर्थ का वॉल्यूम है वो सिक्सटीन टाइम टाइम्स है मून के वॉल्यूम का तो ये मून का वॉल्यूम मान लिया और ये अर्थ का डैश वाला सब मून का मानना हूं ना मैं तो यहां पर रख देता हूं तो एम अपॉन सिक्सटी फोर वी डैश इज टू एम डैश अपॉन वी डैस एम डैस की वैल्यू आ गई एम बाई चीज़ और दे रखी है कि वॉल्यूम भी दे रखा है तो देखो इसको और सॉल्व कर सकते हैं वॉल्यूम लिखे हैं तो कितना 4 by 3 by R का क्यू ये अर्थ का है तो अर्थ का लिख लिया सिक्सटी फोर ये मून का है तो फोर बाई थ्री पाई आर डैस का क्यू तो इसे तो ये कैंसिल हो गया आर का क्यू इजल टू इसे लिख सकते हैं फोर का क्यूब आर डैस का क्यूब तो कैपिटल आर इज लिख सकते हैं फोर आर डैस तो आर डैस लिख सकते हैं आर बाई फोर अब ये दोनों वैल्यू आपको हमारे इस डाटा में पुट करना है इक्वेशन नंबर थ्री में इस वाले में तो पुट कर दें तो ई डैस इक्वेशन थर्ड से ई डैश अपॉन ई इजल टू एम डैश की वैल्यू तो एम बाई सिक्सटी फोर है और आर डैश की वैल्यू आर बाई फोर है इन टू आर बाई एम एम से एम कैंसिल हो गया आर से आर कैंसिल हो गया चार से कट गया कितनी बार सिक्सटीन बार तो ई e टू इसके से मल्टीप्लाई कर लें, तो ई e बाई इसका आंसर हो गया ई बाई बी चॉइस इज करेक्ट पढ़ते रहिए और खुश रहिए थैंक यू